एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन अपना सियासी डेब्यू कर रही है तो दूसरी तरफ सियासी परिवार को अपनी पारंपरिक जमीन को बचाना है। हिमाचल की सबसे हॉट सीट मंडी, जिस पर कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने मंडी सीट से कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने विक्रमादित्य को कंगना के खिलाफ उतार दिया है। हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान का को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। मंडी का सियासी मैदान बड़ी सियासी जंग को तैयार है, जहां दो घरेलू धुरंधर चुनावी रण में उतरने को तैयार है। बीजेपी ने कंगना को उतार कर बड़ा दांव खेला है, जिसके बाद सवाल खड़ा होने लगा कि कांग्रेस कंगना के खिलाफ किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। मौजूदा सांसद और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। आखिरकार उस सस्पेंस से खुद प्रतिभा सिंह ने पर्दा उठाया। हालांकि प्रतिभा सिंह ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो भले ही चुनावी मैदान में न उतरे, लेकिन उनका परिवार बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है। भले ही मंडी सीट को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस बनाया, लेकिन पहले दिन से ही कंगना के निशाने पर विक्रमादित्य ही रहे। उन्होंने छोटा पप्पू कहकर मंडी की सियासत को गर्म कर दिया। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सेंसिवादी कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। वैसे हिमाचल की सियासत में मंडी हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही मंडी सीट पर बीते दो लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी परंपरागत सीट को बीजेपी से छीनने में कामयाबी हासिल की थी। 70 के दशक में मंडी की राजनीति में एक नए चेहरे की एंट्री हुई। 1971 में कांग्रेस ने राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले वीरभद्र सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद 6 बार ये सीट राज परिवार के पास रही। ऐसे में अपनी पारंपरिक सीट को बनाए रखना कांग्रेस और प्रतिभा सिंह के लिए विशेष चुनौती है। हर दिन नया भ्रष्टाचार, हर दिन नया स्कैम, हर दिन नया स्कैंडल। कभी ये लोग गाय का चारा खा जाते थे, कभी ये 2G स्कैम करते थे, एक से बढ़कर एक स्कैम करते थे। और उसका ही अभी एक छोटा ट्रेलर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हर दिन देखने को मिल रहा है। ये लोग आप लोगों को क्या संभालेंगे? इन लोगों से तो खुद की सरकार ही नहीं संभल रही है। 2021 में वीरभद्र सिंह के निधन से पैदा हुई संवेदना का फायदा प्रतिभा सिंह को मिला, लेकिन इस बार ये फैक्टर नहीं होगा। ऐसे में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को अपने बलबूते ही सियासी दमखम दिखाना होगा। राह कंगना की भी आसान नहीं है। एक ओर उन्हें राज परिवार की पारंपरिक सीट पर जीत हासिल करनी है, तो दूसरी तरफ अचानक हुई पैराशूट लैंडिंग से बीजेपी खेमे में चल रही नाराजगी को भी खत्म करना है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह के साथ 16 दूसरे उम्मीदवारों का भी ऐलान किया। कांग्रेस ने चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए। पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से टिकट दिया गया है।
शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 262 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उम्मीदवार बनाया है और अगर कंगना उन्हें हरा पाने में कामयाब होती हैं, तो यह उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल या निशान लगा देगा, जो राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। वह इस चुनाव में जीत के साथ कंगना रनौत राजनेता के तौर पर भी खुद को स्थापित कर सकेंगी। एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन अपना सियासी डेब्यू कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासी परिवार को अपनी पारंपरिक जमीन को बचाना है। हिमाचल की सबसे हॉट सीट मंडी, जिस पर कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने मंडी सीट से कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने विक्रमादित्य को कंगना के खिलाफ उतार दिया है। हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। मंडी का सियासी मैदान बड़ी सियासी जंग को तैयार है, जहां दो घरेलू धुरंधर चुनावी रण में उतरने को तैयार है। बीजेपी ने कंगना को उतार कर बड़ा दांव खेला है, जिसके बाद सवाल खड़ा होने लगा कि कांग्रेस कंगना के खिलाफ किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। मौजूदा सांसद और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। आखिरकार उस सस्पेंस से खुद प्रतिभा सिंह ने पर्दा उठाया। हालांकि प्रतिभा सिंह ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो भले ही चुनावी मैदान में न उतरे, लेकिन उनका परिवार बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है। भले ही मंडी सीट को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस बनाया, लेकिन पहले दिन से ही कंगना के निशाने पर विक्रमादित्य ही रहे। उन्होंने छोटा पप्पू कहकर मंडी की सियासत को गर्म कर दिया। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सेंसिवादी कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। वैसे हिमाचल की सियासत में मंडी हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही मंडी सीट पर बीते दो लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी इस परंपरागत सीट को बीजेपी से छीनने में कामयाबी हासिल की थी। 70 के दशक में मंडी की राजनीति में एक नए चेहरे की एंट्री हुई। 1971 में कांग्रेस ने राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले वीरभद्र सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद 6 बार ये सीट राज परिवार के पास रही। ऐसे में अपनी पारंपरिक सीट को बनाए रखना कांग्रेस और प्रतिभा सिंह के लिए विशेष चुनौती है। हर दिन नया भ्रष्टाचार, हर दिन नया स्कैम, हर दिन नया स्कैंडल। कभी ये लोग गाय का चारा खा जाते थे, कभी ये 2G स्कैम करते थे, एक से बढ़कर एक स्कैम करते थे। और उसका ही अभी एक छोटा ट्रेलर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हर दिन देखने को मिल रहा है। ये लोग आप लोगों को क्या संभालेंगे?
इन लोगों से तो खुद की सरकार ही नहीं संभल रही है। 2021 में वीरभद्र सिंह के निधन से पैदा हुई संवेदना का फायदा प्रतिभा सिंह को मिला, लेकिन इस बार ये फैक्टर नहीं होगा। ऐसे में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को अपने बलबूते ही सियासी दमखम दिखाना होगा। राह कंगना की भी आसान नहीं है। एक ओर उन्हें राज परिवार की पारंपरिक सीट पर जीत हासिल करनी है, तो दूसरी तरफ अचानक हुई पैराशूट लैंडिंग से बीजेपी खेमे में चल रही नाराजगी को भी खत्म करना है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह के साथ 16 दूसरे उम्मीदवारों का भी ऐलान किया। कांग्रेस ने चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए। पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से टिकट दिया गया है। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 262 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उम्मीदवार बनाया है, और अगर कंगना उन्हें हरा पाने में कामयाब होती हैं, तो यह उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल या निशान लगा देगा, जो राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। वहीं इस चुनाव में जीत के साथ कंगना रनौत राजनेता के तौर पर भी खुद को स्थापित कर सकेंगी।